दोस्तों, कौन से ऐसे 6 खनिज हैं जो आपके सेहत के लिए बहुत जरूरी होते हैं? हमारा शरीर प्राकृतिक रूप से कई सारे तत्वों से मिलकर बना होता है। जीवन की शुरुआत में शरीर में कुछ खनिज प्रकृति द्वारा दिए जाते हैं, जिनका आगे चलकर हमें संतुलन बनाए रखना जरूरी होता है। अनियमित दिनचर्या, असंयमित खान पान और जीवन शैली, किसी बीमारी और बढ़ती उम्र की वजह से इन खनिजों का संतुलन शरीर के अंदर बिगड़ जाता है। इनके असंतुलन की वजह से कई समस्याएं हो सकती हैं। अगर समय पर ध्यान न दिया जाए तो ये समस्याएं गंभीर बन सकती हैं। खनिज मुख्यतः 2 श्रेणियों में बंटा है, जिसमें पहला है माइक्रो मिनरल्स तथा दूसरा ट्रेस मिनरल्स। आज हम बात करने वाले हैं इन 6 महत्वपूर्ण खनिज के बारे में, जो कि मेजर हैं। मेजर मिनरल्स यानी कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम और ट्रेस मिनरल्स यानी आयरन और जिंक। इन मिनरल्स के असंतुलन से केवल शरीर ही नहीं बल्कि आपके दिमाग के सेहत पर भी बुरा असर पड़ता है। पहला है कैल्शियम। हड्डियों की मजबूती के लिए यह बहुत जरूरी है। इसके अलावा ये दांतों की मजबूती, मांसपेशियों के संकुचन, इम्यूनिटी को सुधारने, ब्लड प्रेशर में सुचारू रूप को बनाए रखने आदि में सहायता करता है। गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था की शुरुआत में ही कैल्शियम के सप्लीमेंट इसलिए दिए जाते हैं ताकि उनके साथ यह गर्भ में विकसित हो रहे बच्चे की सेहत को अधिक लाभ पहुंचाए। उम्र बढ़ने के साथ ही किसी बीमारी की स्थिति में जब प्राकृतिक स्रोत की कैल्शियम सही मात्रा शरीर में नहीं मिल पाती है, तब डॉक्टर सप्लीमेंट लेने की सलाह देते हैं। लेकिन सप्लीमेंट एक नियमित अवधि और मात्रा के अनुसार ही सेवन कर सकते हैं। अधिक खाने पर यह नुकसान दे सकता है, इसलिए बिना डॉक्टर के परामर्श से इन्हें न खाएं। इसके अलावा आप प्राकृतिक स्रोतों से भी कैल्शियम ले सकते हैं, जिनमें दूध, पनीर, दही, छेना, छाछ आदि का सेवन करें। दूसरा है मैग्नीशियम। कोरोना महामारी के आने के बाद इस खनिज को लेकर बहुत चर्चा हुई, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में पता नहीं था। यह भी इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में काम करता है। इसके अलावा शरीर में प्रोटीन बनाने के लिए इसकी आवश्यकता होती है। यह प्राकृतिक रूप से कई चीज़ों में पाया जाता है, जैसे बादाम, काजू, कई प्रकार के बीज, सूखे मेवे, साबुत अनाज, केले, डार्क चॉकलेट और अवोकेडो में पाया जाता है। तीसरा है पोटेशियम। पोटेशियम तरल यानी फ्लूड का संतुलन बनाए रखने के लिए पोटेशियम जरूरी होता है। यदि किसी को किडनी संबंधी समस्या हो तो पोटेशियम की कम मात्रा का सेवन करने की सलाह दी जाती है। पोटेशियम ब्लड में वेसल्स यानी रक्त वाहिकाओं को फैलने या रिलैक्स होने में मदद करता है, जिससे हाई ब्लड प्रेशर की स्थिति से बचाव में मदद मिलती है और हार्ट संबंधी समस्याओं से भी बचाव होता है। पोटेशियम की पूर्ति के लिए आप अपने डाइट में पके हुए आलू, शकरकंद, पालक, ब्रोकली, मटर के दाने, ककड़ी, कद्दू, हरी पत्तेदार सब्जियां, मशरूम, ताजे मौसमी फल, सूखे मेवे, राजमा, ब्राउन राइस आदि का सेवन करें। चौथा है सोडियम। सबसे आसान रूप में हम इसे नमक के तौर पर जानते हैं, जो सोडियम क्लोराइड होता है। यह शरीर के इलेक्ट्रोलाइट्स में से एक होता है। शरीर को ठीक तरह से काम करने के लिए सोडियम की ज़रूरत पड़ती है। इसमें ब्लड की वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखने से लेकर मांसपेशियों और नर्व्स के सही तरीके से काम करने की प्रक्रिया शामिल होती है। यही कारण है कि खिलाड़ियों, जिमिंग करने वालों को ऐसे ड्रिंक को सीमित मात्रा में पीने की सलाह दी जाती है, जिसमें सोडियम कम हो। सामान्य तौर पर शरीर को नमक के अलावा फल, दूध, बीटरूट यानी चुकंदर। पांचवा है आयरन, एक बहुत ही महत्वपूर्ण खनिज जिसकी आवश्यकता शरीर को सही तरीके से विकास करने के लिए होता है। आयरन की मदद से शरीर में हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है। हीमोग्लोबिन के सही स्तर का होना मतलब शरीर का अंदरूनी तौर पर मजबूत होना है। इस तरह आयरन इम्यूनिटी बढ़ाने से लेकर कुछ विशेष हार्मोन्स का निर्माण करने, थकान मिटाने, मांसपेशियों की ताकत बढ़ाने और एनीमिया जैसी स्थिति से बचाव करने जैसे कई फायदे शरीर को देता है। खास तौर पर महिलाओं और युवतियों के लिए इसकी सही मात्रा का शरीर में होना बहुत जरूरी होता है, इसलिए गर्भवती महिलाओं को विशेषकर आयरन सप्लीमेंट दिए जाते हैं। इसके लिए आप पालक, चुकंदर, अंडे, सोयाबीन, अनाज, काले चने, मुनक्का, हरी पत्तेदार सब्जियां, अनाज और फलों आदि का सेवन करें। छठा है जिंक। भले ही जिंक का नाम आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा, लेकिन यह कमाल का मिनरल्स हाल ही में कोरोना के बाद से यह फेमस हो गया। असल में जिंक इम्यून सिस्टम और मेटाबॉलिज्म को ठीक से काम करने में मदद करता है।
यह घाव भरने और टेस्ट और स्मेल के सेंस को बनाए रखने में मददगार साबित होता है। साथ ही यह सर्दी जुकाम को ठीक करने और ब्लड शुगर के स्तर को नियंत्रित रखने में मदद करता है। दिल की सेहत को अच्छा बनाने में भी सहायता करता है। इसके लिए बीन्स, चना दाल, काजू, तिल्ली, ओट्स आदि का सेवन करें।